चंडीगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र परिसर से सीआईएसएफ की सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहस्यमय ढंग से 15 टन से कॉपर केबल चोरी हो गई, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसकी शिकायत इसी लिमिटेड कंपनी रांची के उप प्रबंधक रविशंकर कुशवाहा ने लिखित में शिकायत पुलिस को दी। शिकायत के बाद भट्टी पुलिस हरकत में आई। पुलिस टीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में विवेचना प्रारंभ की तो जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ कि सुरक्षा के लिए तैनात सीआईएसएफ का हवलदार इस चोरी का मास्टरमाइंड निकला। उसने एचईसी कंपनी के पुराने कर्मचारी के सहयोग से इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस वारदात में बीएसपी में पेटी ठेकेदार के रूप में कार्य करने वाले ठेकेदार ने सीआईएसएफ के हवलदार से मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इन सनसनीखेज चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए सीआईएसएफ के हवलदार संजय कुमार, पेटी ठेकेदार राकेश सिंह व वाहन की व्यवस्था करने वाले दीपक गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में उन्होंने कबूला की चोरी के कॉपर केबल को दुर्ग के शातिर कबाड़ी को बेचा है और भारी भरकम रकम वसूली गई है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। पुलिस के अनुसार इस मामले में और भी लोगों की भविष्य में गिरफ्तारी संभव है। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।